आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज। आज 4 अप्रैल सोमवार के दिन बिहार में 24 सीटों पर मतदान होने हैं, जिसमें एनडीए 24 सीटों पर लड़ रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद अलग अलग सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। 24 सीटों में एनडीए के 11 सीट जदयू के हिस्से में गया है, 12 सीट पर भाजपा लड़ रही है और एक सीट पर रालोसपा लड़ रही है। वहीं 23 सीटों पर और अपने हिस्से का एक सीट माले को दिया है। इसके अलावा कांग्रेस 15 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही लोजपा रामविलास पासवान और वीआईपी के सहनी सन ऑफ माला कुछ सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। आंटी, आपका नाम क्या हुआ? प्रमीला वर्मा हुआ। आंटी, आप किस पोस्ट से हैं और किधर से? पट्टा नगर निगम वार्ड 43 से हूँ। अच्छा, वार्ड 43 से हैं। आपका पहली बार था या दूसरी बार? मैं लगातार 20 साल से पार्षद हूँ। 20 साल से पार्षद है। वोट कर चुकी हूँ तीन बार, ये तीसरा बार है। चूँकि छः साल का होता है ना, अब मैं 20 साल से हूँ अभी। तो मैडम, इस बार आप लोग मतलब कैसा प्रतिनिधित्व? हम चाहे यही है कि जो मतलब कि बिहार के लिए जो काम करें, अच्छा काम करें, पटना को नंबर वन बनाएं, हम लोग ऐसा ही प्रतिनिधि चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है मैडम, इस बार किसकी एनडीए की बन रही है या फिर राजद की या फिर किसकी? वो तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग एकजुट होकर जिनको दिए हैं, एकजुट होकर हम लोग दिए हैं। आप लोग एकजुट होकर दिए? एकजुट होकर दिए हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ के जो पिछले बार विधान परिषद सदस्य थे वो इस बार दानापुर क्षेत्र से विधायक हैं। तो इन लोगों ने अपना एक सुयोग्य कर्मठ प्रतिनिधि चुना और साथ ही इन लोगों का कहना है कि हम लोग एकजुट होकर वोटिंग कर रहे हैं, यानी कि उनको निकलना ही निकलना है, चाहे इनकी वोट जिसके पक्ष में जाए उनको निकलना ही है। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।